दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर से निकाल दी ये चीजें, नहीं तो माँ अम्बे हो सकती है नाराज। जी हाँ दोस्तों, और आज हम लोग जानेंगे कि नवरात्र में हमें क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास एवं इंटरेस्टिंग होने वाली है। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सदा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होगा और 11 अक्टूबर तक रहेगा। दोस्तों, नवरात्रि में मां दुर्गा के स्वागत के लिए लोग घर की साफ सफाई करते हैं। कहते हैं कि घर में साफ सफाई न होने पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना व उपासना का फल नहीं प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना करने से पहले घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हाँ, और नवरात्रि में सफाई में कुछ खास चीजों को घर से जरूर निकाल देना चाहिए। कहते हैं कि घर में इन चीजों का होना शुभ होता है। आइए जानते हैं कौन सी वह चीजें हैं जिसको नवरात्रि से पहले अपने घर से निकाल देना चाहिए। दोस्तों, आगे जानने से पहले है माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर कभी भी धन वैभव एवं ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में मां दुर्गा पूरे 9 दिन भक्तों के घर में वास करती हैं। ऐसे में साफ सफाई में घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली या खराब जैसी चीजों को घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि घर का माहौल सकारात्मक होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, और अगर घर में कोई खंडित मूर्ति या तस्वीर है तो इसे नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसी मूर्तियों या तस्वीरों को विसर्जित कर दें। कहते हैं कि ऐसा करने से वास्तु दोष होता है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको ध्यान देना चाहिए कि टूटे बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या फटे पुराने चप्पल, जूते आदि को नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले ही घर से निकाल देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा खींचती हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आखिरकार नवरात्रि में क्या क्या चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में जो अशुभ फूल या सामग्री हो उसे घर से निकाल देना चाहिए। मान्यता है कि पूजन में इनका प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बंद या खराब घड़ी है तो उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में बंद घड़ी का होना अशुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि यह तरक्की में बाधा का कारण बनती है और बुरा समय भी लाती है। और दोस्तों, घर की महिलाओं को ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर घर की रसोई में कोई खराब अचार या खाने का कोई खराब सामान रखा है तो उसे भी घर से बाहर कर दें। कहते हैं कि घर में खाने पीने के खराब पड़े सामान से मां दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं और उसकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, नवरात्रि में इस बात का भी रखें ध्यान कि घर में अगर कहीं अंधेरा रहता है या रोशनी की व्यवस्था नहीं है तो नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले इसे ठीक करा लेना चाहिए। घर में अंधेरा परिवार की सुख समृद्धि के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ ही आपको ध्यान देना है कि किचन की सफाई है बेहद ही जरूरी होती है, इसलिए चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने किचन की साफ सफाई जरूर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में रसोई को बहुत ही शुद्ध माना गया है, क्योंकि यहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले रसोई से तामसिक चीजों जैसे लहसुन और प्याज को हटा देना चाहिए। इस दौरान 9 दिनों तक सात्विक भोजन बनाया व खाया जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आखिर हमें नवरात्र में कलश की स्थापना करने के लिए कौन सी जगह को सर्वोच्च मनाना चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना का विधान है और नवरात्रि में इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस जगह पर स्थान पर कलश स्थापना की जाती है वहाँ हल्के रंग का इस्तेमाल करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है और ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, और इस दिन आप लोगों को घर के मुख्य द्वार पर यह एक निशान जरूर बना लेनी चाहिए। दोस्तों, धर्म शास्त्रों में स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना गया है और किसी भी शुभ काम से पहले घर या मंदिर में स्वास्तिक जरूर बनाया जाता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पूजा शुरू करने से पहले अपने घर के मेन गेट पर स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं।
ऐसा करने से माँ दुर्गा बेहद ही प्रसन्न होती है और आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्र में आप लोगों को घर की दक्षिण पूर्व दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में देवी दुर्गा का वास माना गया है और इसलिए इस दिशा में पूजा करना शुभ होता है। ऐसे में नवरात्रि की तैयारी करते समय घट स्थापना और माता चौकी की स्थापना दक्षिण दिशा में करें। ध्यान रखिए कि माता रानी की पूजा करते समय आपका मुख दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही हो। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व दिशा में पूजा करने से चेतना का विकास होता है, जबकि दक्षिण दिशा की तरफ करके पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों, नवरात्रि में इन चीजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्याज और लहसुन। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 दिनों तक धरती पर ही रहती हैं। इन 9 दिनों में माँ भक्तों के घर वास करती हैं। ऐसे में घर का वातावरण और घर दोनों का शुद्धा होना बेहद जरूरी है। नवरात्रि से पहले सफाई के दौरान प्याज और लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा आदि को घर से निकाल दें। ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती हैं। इसके साथ ही खराब जूते, चप्पल और कपड़े नवरात्रि से पहले माँ दुर्गा के स्वागत के लिए सफाई की जाती है। ऐसे में घर में रखे फटे पुराने कपड़े और जूते चप्पलों को घर से बाहर निकाल दें। घर में इस तरह की चीजें नकारात्मकता बढ़ाती हैं और माँ दुर्गा ऐसे घरों में कभी वास नहीं करती, तो आपको सावधान रहना चाहिए दोस्तों। और हाँ, झाड़ू देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। घर में सही जगह पर न रखने पर पुरानी झाड़ू वास्तु पर असर डालती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तु का अर्थ है चीजों को सही जगह पर रखना। वास्तु मंडल के अनुसार 8 दिक्पालिका 8 दिशाओं द्वारा शासित होती हैं। वे घर में प्रवेश करने वाली बुरी ऊर्जाओं से बचाकर रक्षक बनती हैं। ध्यान रहे कि पुरानी झाड़ू को निकालने से पहले नई झाड़ू खरीदें, इसी के बाद पुरानी झाड़ू को घर से निकालें। सफाई की तरफ से नीचे की ओर मुंह करके इसके उत्तर पश्चिम रखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। दोस्तों, खास बात है कि टूटी या पुरानी झाड़ू ज्यादा दिन घर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इसे बाहर ऐसे ही कूड़े पर भी नहीं फेंकना चाहिए। दरअसल घर के अंदर ज्यादा दिनों तक टूटी झाड़ू रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में कूड़ा बाहर निकालने के लिए टूटे हुए झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करें। ये घर में परेशानियां बढ़ाता है, घर पर संकट आता है। ये भी ध्यान रखिए कि झाड़ू पुरानी नहीं है लेकिन पूरे घर में टूट कर गिर रही है, तो उसे हटा दें। झाड़ू को गिरने से रोकने के लिए अच्छी तरह बांध भी सकते हैं। झाड़ू के टूटकर गिरने से घर साफ होने की बजाय और गंदा हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।